नमस्कार दोस्तों, रात का आटा बच गया था तो मैंने सोचा इसे फेंकना ठीक नहीं है। और चने की दाल बच गई थी, कल दाल चावल रोटी सब्जी से बनी थी तो दाल भी ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था और उसके मैंने बहुत स्वादिष्ट स्नैक्स बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जब वो तलक जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग, आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच हींग डालेंगे, ज़्यादा हींग नहीं डालेंगे, बस आधा चम्मच छोटा हो। और इसके बाद हम डालेंगे दो चम्मच बेसन और उसको हम अच्छे से भून, रोशनी ज़्यादा है तो आपको बेसन भी वाइट लग रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इसे हम अच्छे से भून लेंगे, एक मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। और जब आप देखेंगे ये भूनेंगे ना, भून जाएगा ना अच्छे से, ये फूल जाता है बेसन। उसमें मैंने चने की दाल, देखिए एक कटोरी मेरी बच गई थी फ्रिज में रख दिया था, तो वो मैं इसी में डाल दूंगी और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। तो जितने अच्छे से हम इसे भूनेंगे स्नैक्स उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो इसे भूनिएगा अच्छे से। अभी थोड़े से हम इसमें मसाले भी डालेंगे, तो पहले हम इसे भून लेते हैं उसके बाद हम इसे मसाले डालेंगे। ये थोड़ी टाइट हो जाए, अभी बहुत थोड़ा मुलायम है ये। रात में मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और इसे अब मैं इसे अच्छे से कल्हारूँगी, उसके बाद ही स्नैक्स बन पाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी टाइट हो गई है, उसमें बनाएंगे बेसिक से मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर। फिर मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाली है मैंने और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक वैसे तो दाल में पड़ा था लेकिन इस स्नैक्स में थोड़ा कम लगेगा तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दीजिएगा इसमें अलग से। आप चीख सकते हैं, थोड़ा सा लेकर चीख लीजिए, अगर आपको नमक कम लगे तो नमक डाल सकते हैं। अब इसे हम फिर से अच्छे से कलार लेंगे और इसमें हम आमचूर पाउडर भी थोड़ा सा डालेंगे। अभी एक्चुअली बेसन मैंने इसलिए इसमें डाला है कि इसका बहुत बढ़िया स्वाद आता है सोंधा। वैसे तो दाल चने की सौंधी ही होती है लेकिन अगर आप बेसन डालेंगे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेसन ज़रूर इसमें डालिएगा, दो चम्मच के करीब। और जब ये अच्छे से भुन जाए, थोड़ी टाइट हो जाए, तो इसे हम एक किसी बर्तन में निकाल लेंगे। वैसे टाइट हो चुकी है, एक मिनट हो गया लगभग मुझे भूनते हुए इसे, तो इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा स्नैक्स तभी बढ़िया बनेगा। तो 10 से 5 मिनट इसे आप पंखे में रख दीजिए और इसे ठंडा कर लीजिए। जब तक ये ठंडा ना हो तब तक स्नैक्स बनाना हम नहीं स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए दाल हमारी ठंडी हो गई है, तो इसके हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे। जैसे आप गुलाब जामुन के बनाते हैं उतने ही छोटे छोटे गोले हम पहले बना कर रख लेंगे। और देखिए बहुत आराम से चिकनी हो जाती है दाल, क्योंकि इसमें बेसन पड़ जाता है ना, तो ये और चिकना हो जाता है। तो सारे गोले एक एक करके हम बना कर पूरे रख लेंगे, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी कुछ कर सकूँ जीवन में। वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक फ़िलहाल, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने पूरे बना कर रख लिए हैं पेड़े जैसे इसके, और अब हम स्टार्ट करेंगे स्नैक्स बनाना। तो आटा जो मैंने रात ओवरनाइट रखा था रात का, उसे हम फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर मैंने रख दिया था। बहुत ही सॉफ्ट हो गया है ये, तो अब इसकी हम काट लेंगे लोइयाँ। यकीन मानिए चाय और चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ ये रेसिपी बहुत 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 ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो जब भी आपके घर में दाल या आटा बच जाए तो आप स्नैक्स इसी तरह बना सकते हैं। तो इसके बाद हम लोइयाँ देखिए मैंने काट ली हैं छोटी छोटी, और इसको हम तेल लगा कर हाथ से रख देंगे साइड में, वो परथन बिल्कुल नहीं लगाएंगे इसमें। तो इसे हम चारों तरफ से ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में वैसे कर लीजिए अंगूठे उंगली की सहायता से, और उसमें एक गोला जो मैंने बना के रखा था उसे रख दीजिए। और अब हम कर देंगे इसे चारों तरफ से टाइटली पैक, तो इसे हम पैक कर देंगे चारों तरफ से। देखिए पैक कर दिया मैंने, बिल्कुल भी आटा निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस इसे पैक कर दीजिए और हाथ से ही, बेलने की भी इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ से ही टैप टैप करके हम इसे बड़ा कर लेंगे। और देखिए इसे हम ऐसे गदेली और उंगलियों के साथ ऐसे इसे बड़ा करेंगे, बिल्कुल भी बेलन नहीं चलाएंगे इस पर, कोई
ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आटा सॉफ्ट है। और अगर आपका आटा सॉफ्ट ना हो तो उसे बाहर निकाल कर थोड़ा पानी डालकर उसे आप सॉफ्ट कर लीजिए, उसके बाद ही ये बनाइए तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। बस इसे हम ऐसे देखिए उंगलियों की सहायता से टैप टैप करके हम इसे बढ़ा रहे हैं। तेल थोड़ा लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बढ़ जाती है। और इसे हम अभी आपको दिखाते हैं, मैंने देखिए कितना पतला कर लिया है इसे हाथ की सहायता से। तेल हमारा गर्म हो चुका है, पहले ही मैंने चढ़ा दिया था कढ़ाई में, अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। और धीमी, बहुत ही धीमी आँच पर, बिल्कुल धीमी आँच पर इसे हम तलेंगे। धीमी धीमी आँच पर आप जितना इसे तलेंगे उतना ही खुश्क क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा सोंधा बनता है ये। तो इसे पलट देंगे और देखिए, ये देखिए पलट दिया, बहुत अच्छे से पक रहा है ये, बिल्कुल भी दाल वगैरह बाहर नहीं आई है इसके, आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसमें प्याज और गाजर भी मिला सकते हैं दाल में, लेकिन मेरे यहाँ क्योंकि ये सब खाया नहीं जाता है ज़्यादा, गाजर नहीं पसंद करता है कोई, तो मैं सादा सादा ही इसे बना रही हूँ। और ये देखिए हमारी कचौरी चने की दाल की बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो जब भी आपके घर में दाल बच जाए, उड़द की बच जाए या चने की बच जाए, अरहर की बच जाए, आप कोई भी दाल, मसूर की बच जाए, कोई भी दाल बचे, बस आप इसी तरह आप बना सकते हैं कचौड़ी। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं कचौड़ियाँ फूली फूली, तो आप भी बनाइए और गर्मा गर्म चाय और चटनी के साथ इसका आनंद लीजिए। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ आप लोगों की तरह। और ये देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी रेडी है, तो इंतज़ार किस बात का, आइए सब मिलकर इसका आनंद लेते हैं।